तो रेडी हो जाइए आज की इस वीडियो के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 15 ऐसी इमेजें जिसके अंदर ऑप्टिकल इल्यूजन की मदद से आपके लिए कुछ चीजें छुपाकर रखी गई हैं और आपको वो ढूंढकर निकालना है। आपकी आंखों के सामने होगा फिर भी आपको ढूंढने में मुश्किल आएगी। ज्यादातर लोग इन 15 इमेज के अंदर सिर्फ 7 या 8 ही इमेज ढूंढ पाते हैं, और क्या आप इससे ज्यादा ढूंढ पाएंगे, ये तो आपको वीडियो के अंत में ही पता लग पाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपके पास सिर्फ 15 सेकंड है इस इमेज के अंदर एक पैरेट को ढूंढकर निकालना है आपको। चलिए शुरू हो जाइए। ये रहा वो पैरेट जो कि आपको ढूंढकर निकालना था। ये इतनी अच्छी तरीके से कलर वाइज इसमें छुपा हुआ था इस इमेज के अंदर कि इसे ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल जरूर हो रहा होगा आपकी आंखों के लिए। इसी तरह बाकी इमेजें भी आपको दिखाई जाएंगी और आपको ढूंढना है टाइम के अंदर अंदर। तो ये रही आपके लिए अगली इमेज। इस इमेज के अंदर आपको एक दिल ढूंढकर निकालना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। इस इमेज के अंदर आपको बहुत सारे पैरेट्स नजर आ रहे होंगे जो कि अलग अलग कलर के हैं, और इन्हीं पैरेट के बीच में एक बटरफ्लाई यानी कि एक तितली छुपी हुई है जो कि आपको ढूंढकर निकालना है 15 सेकंड के अंदर। चलिए ढूंढिए। ये रही वो छोटी सी बटरफ्लाई जो कि इतने सारे रंग बिरंगे तोतों के अंदर छुपी हुई थी, और अगली इमेज के अंदर आपको ये बहुत सारे अम्ब्रेला यानी कि छतरियां नजर आ रही होंगी। आपको दो एक जैसे अम्ब्रेला ढूंढकर निकालने हैं सिर्फ 15 सेकंड के अंदर। चलिए शुरू हो जाइए। इस इमेज के अंदर आपको दो एक जैसे अम्ब्रेला ढूंढने थे जो कि ये है। अब जो अगली इमेज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो काफ़ी मज़ेदार इमेज है। ये रही आपके सामने। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग कॉस्ट्यूम में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। अब आपको करना ये है कि इसी इमेज के अंदर एक शख्स ऐसा है जो कि चोरी करने की कोशिश कर रहा है, और वो आपको ढूंढ कर निकालना है कि वो शख्स कौन है। और आपके पास इस इमेज के लिए है 25 सेकंड। चलिए शुरू हो जाइए। इस इमेज के अंदर आपको एक चोर को ढूंढकर निकालना था, और वो चोर ये छोटी सी लड़की है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो शख्स जिसने निंजा के कपड़े पहन रखे हैं उसके जेब में इस लड़की ने हाथ डाल रखा है, और जिसका मतलब कि ये चोरी करने की कोशिश कर रही है, और यही इसका आंसर था। ये रही आप सभी के लिए अगली इमेज। जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर काफ़ी सारी डॉल हैं, और उन डॉल की आंखों पर आपको आंखें नहीं बटन नज़र आ रही होंगे। जैसे कि हम कहते हैं तेरी आंखें हैं या बटन, वैसे ही यहाँ पर उनकी आंखों में बटन है। और मजाक छोड़िए, चलिए आपको इसमें ढूंढना है एक ऐसी डॉल जिसकी आंखों में बटन नहीं है, और आपके पास 15 सेकंड है। चलिए ढूंढिए। ये रही वो डॉल जो कि आपको ढूंढ कर निकालनी थी। अब अगली इस इमेज के अंदर आपको बहुत सारे पत्ते नजर आ रहे होंगे, और इन्हीं पत्तों के बीच में एक मेंढक यानी फ्रॉग छुपा हुआ है, वो आपको ढूंढ कर निकालना है 10 सेकंड के अंदर। चलिए ढूंढिए। ये रहा वो फ्रॉग जो कि आपको ढूंढ कर निकालना था, और अगली इस इमेज के अंदर आपको बहुत सारे चूहे और बहुत सारा चीज नजर आ रहा होगा। इन्हीं चूहे और चीज के बीच में एक डाइस जो कि आप लूडो में खेलते हैं वो वाला डाइस छुपा हुआ है, वो आपको ढूंढ कर निकालना है। चलिए शुरू हो जाइए।
जरा यहाँ देखिए, ये रहा वो डाइस जो कि बिल्कुल चीज के कलर का ही है लेकिन बिल्कुल स्क्वायर है, और आपको उसके ऊपर कुछ नंबर डॉट्स नजर आ रहे होंगे जो कि डाइस के अंदर होते हैं, और यही आपको ढूंढकर निकालना था। इस इमेज के अंदर आपको बहुत सारे रकून जरूर नजर आ रहे होंगे, इन रकून के बीच में ही एक पांडा छुपा हुआ है, आपको ढूंढना है। चलिए शुरू हो जाइए। इधर गौर कीजिए, यहाँ पर ये रहा वो पांडा जो कि आपको ढूंढकर निकालना था, काफी अच्छे तरीके से छुपा हुआ था। अब अगली इस इमेज को देख सकते हैं आप, यहाँ पर बीच में एक औरत खड़ी हुई है, उसके हाथ में एक बच्चा है जो कि रो रहा है, और ये इसलिए रो रहा है क्योंकि इसका निप्पल कहीं खो गया है, और वो आपको ढूंढकर निकालना है 15 सेकंड के अंदर। चलिए ढूंढिए। ये रहा वो निपल जो कि आपको ढूंढकर निकालना था। इस इमेज के साथ आपके टोटल इमेजेस हो गए हैं 10। ये थोड़े आसान थे। अब जो 5 इमेज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं, आपके लिए ज्यादा चैलेंजिंग होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन 5 इमेज में से आप कितनी इमेजे ढूंढ पाते हैं, ये मुश्किल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली इमेज के साथ जो कि आपके सामने ये रही। इस इमेज के अंदर आपको बहुत सारी बिल्लियां नजर आ रही होंगी, और इन्हीं बिल्लियों के बीच में एक खरगोश छुपा हुआ है ऑप्टिकल इल्यूजन की मदद से, और आपको वो ढूंढकर निकालना है। आपके पास 25 सेकंड है, चलिए ढूंढिए। जरा यहाँ देखिए, ये रहा वो खरगोश जो कि आपको ढूंढकर निकालना था इतनी सारी बिल्लियों में, और ये काफी आसानी से नहीं मिलता आपको क्योंकि काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर ये छुपा हुआ था। ये रही आप सभी के लिए अगली इमेज। इस इमेज के अंदर बहुत सारे स्नोमैन आपको नजर आ रहे होंगे, और इसी बीच में एक पांडा आपको ढूंढकर निकालना है जो कि छुपा हुआ है। आपके पास फिर से 25 सेकंड है, चलिए ढूंढिए। इस इमेज के अंदर काफी सारे बनी यानी कि आपको खरगोश नजर आ रहे होंगे, खरगोश की ड्राइंग नजर आ रही होगी, और इन्हीं ड्राइंग के बीच में एक एग यानी कि एक अंडे की इमेज छुपी हुई है, और आपको वो ढूंढकर निकालना है 25 सेकंड के अंदर। चलिए शुरू हो जाइए। ये रहा वो छोटा सा अंडा जो कि आपको ढूंढकर निकालना था। चलिए अभी इस इमेज के अंदर आपको एक पांडा ढूंढकर निकालना है 25 सेकंड के अंदर। आपका टाइम शुरू होता है अब। ये रहा वो पांडा जो कि आपको ढूंढकर निकालना था। अब ये इमेज आपके लिए लास्ट इमेज है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और ये इतना ज्यादा हार्ड है कि लगभग 99% लोग इसे नहीं ढूंढ पाते। सिर्फ 1% लोग ही हैं ऐसे जो कि इसको ढूंढ पाते हैं। क्या आप 1% में से आते हैं? बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये रही वो इमेज, देख कर ही आपको पता लग रहा होगा कि कितनी ज्यादा मुश्किल इमेज ये होने वाली है, और इस इमेज के अंदर आपको एक पांडा ढूंढ कर निकालना है। आपके पास 35 सेकंड का वक्त है, देखते हैं कि आप उन 1% में से हैं या नहीं। चलिए शुरू हो जाइए।
दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।